दौसा जिले में कोरोना वायरस और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में किसान और सरकार के बीच हुए समझौते को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से उन्होंने चर्चा की। मीणा ने जिले में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर कलेक्टर से अपडेट लिया और कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग और जाँच समय पर की जाए, और साथ ही उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे की जमीन को लेकर भी चर्चा की और ये कहा कि किसानों के हित में एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्टेशन क्वारंटाइन में शिफ्ट किया क्योंकि वो एक रजिस्टर है, उनका नंबर पोर्टल पे चढ़ा देते हैं, उन्होंने कहां कहां गए तो उसकी पालना की। दूसरा क्वारंटाइन जो हो रहा है इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन, उनकी अनुपालना ठीक ढंग से नहीं हुई। तीसरा सैंपलिंग का कोई सही समय तय नहीं है, इसलिए जो WHO या ICMR के डायरेक्शन है उसके हिसाब से कोरोना की सैंपलिंग हो, क्वारंटाइन हो, या हम कलेक्शन को कहने के लिए आ रहे हैं। एक बाहर से अपने जिले में अब तक 15,000 मरीज आ गया, तो अब जो इस समय 1 मई से बाद में करीबन 6,200 जिले में मौजूद आ गए, वो उनमें कैरियर ज़्यादा है, तो उनसे कैसे सावधान रहा जा सकता है, हमने सिर्फ आपसे सुझाव दिया है। तो इस संबंध में मीटिंग करेंगे। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है वो ये है कि कोरोना से पहले अपने जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का काम